बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसे नाम हैं जिन्हें वो शोहरत तो नहीं मिली, जो वो नाम तो नहीं मिला, लेकिन उन्हें उनकी एक्टिंग के लिए आज भी जाना जाता है। जी हाँ, आपको बता दें कि बॉलीवुड में आया हर एक्टर हर एक्ट्रेस वो मुकाम तो हासिल नहीं कर पाता कि उसे मेन लीड में काम करने का मौका मिले, लेकिन कई ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं जो सपोर्टिंग रोल में ऐसा काम कर जाते हैं कि उनकी वाहवाही करते हुए कोई नहीं थकता है। जी हाँ, और आज हम आपके साथ अपने स्पेशल रिपोर्ट में एक ऐसी ही एक्ट्रेस एक ऐसी ही अभिनेत्री की बात करने जा रहे हैं जिनका बीते कल निधन हो चुका है। जी हाँ, आज हम आपको उनसे जुड़ी कई बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि आपको भी ज़रूर पता होनी चाहिए। आपको पहले इस बात की जानकारी दे दें कि हम आज अपने स्पेशल रिपोर्ट में बात कर रहे हैं गीता सिद्धार्थ काक की। जी हाँ, आप लोगों को बता दें कि बीते शनिवार को यानी कि 14 दिसंबर को गीता सिद्धार्थ काक ने मुंबई में अपनी अंतिम सांसें ली थी। अगर हम आपको इनका परिचय दें तो इन्होंने कई मशहूर फिल्मों में कई मशहूर एक्टर्स एक्ट्रेसेस के साथ इन्होंने काम किया है। जी हाँ, यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि गीता सिद्धार्थ काक ने बॉलीवुड में परिचय, शोले, त्रिशूल, राम तेरी गंगा मैली और नूरी जैसी शानदार फिल्मों में काम किया है। आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि गीता सिद्धार्थ काक ने अपने करियर की शुरुआत जो की थी उन्होंने वो गुलजार के निर्देशन में बनी फिल्म परिचय से की थी। फिल्म में जितेंद्र और जया भादुड़ी जैसे महान कलाकार थे। ये फिल्म साल 1973 में आई फिल्म गरम हवा में उनके काम को काफ़ी ज़्यादा सराहा गया था। जी हाँ, आप लोगों को बता दें कि मुंबई आए हर एक्टर एक्ट्रेसेस को वो मुकाम तो नहीं मिल पाता जो वो सोच कर आते हैं, लेकिन कई बार वो अपने अभिनय के अंदाज से लोगों का दिल छू लेते हैं। और गीता की ज़िंदगी में ये समय आया था जब उन्होंने 1973 में गर्म हवा में काम किया था। आपको बता दें कि उनको इस मूवी के लिए काफ़ी ज़्यादा उनकी तारीफ की गई थी, काफ़ी ज़्यादा उन्हें सराहा गया था। आपको यहाँ पर जानकारी देना चाहेंगे कि गीता ने 70 और 80 के दशक में कई बेहतरीन शानदार फिल्मों में अपनी अभिनय का जलवा दिखाया। जी हाँ, आप लोगों को हम उनकी कुछ सुपरहिट मूवीज़ के नाम बता देते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से है। गमन जो 1978 में आई थी, सदगति जो 1981 में आई थी, शौकीन जो 1982 में आई थी, देशप्रेमी जो कि 1982 में आई थी, अर्थ वो भी 1982 में आई थी, मंडी 1983 में और निशान जो 1983 में आई थी। ऐसी महान फिल्मों में उन्होंने काम किया है। इसके अलावा हम आपको गीता के जीवन से जुड़ी एक खास बात और यहाँ पर बताना चाहेंगे। गीता ने टेलीविज़न होस्ट और निर्माता सिद्धार्थ काक से शादी कर ली थी। सिद्धार्थ काक को टीवी शो सुरभि के लिए जाना जाता है। रेणुका शहाड़े के साथ इस शो को वो होस्ट करते थे। ये 1990 से 2001 तक का दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला सबसे फेमस शो माना जाता है। गीता इस शो की आर्ट डायरेक्टर हुआ करती थी। गीता फिल्मों के अलावा अपने आप को सामाजिक कामों से जोड़कर रखती थी और वो सामाजिक कामों में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती थी। आपको बता दें कि सिद्धार्थ और गीता की एक बेटी भी है जिसका नाम अंतरा काक है। यहाँ पर हम आप लोगों को ये भी बताना चाहेंगे कि गीता को उनकी एक फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर का पुरस्कार भी मिल चुका है और उन्होंने प्रमुख अभिनेत्रियों के रूप में स्मारिका जीता हुआ है। इनके बारे में बेशक आज बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं, लेकिन इन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे मशहूर काम किए हैं जिनकी हर कोई सराहना करता है। इनका निधन हो चुका है, बीते कल इन्होंने अंतिम सांसें ली है और अब
जब वो इस दुनिया को छोड़ चुकी हैं, तो अब बॉलीवुड में कई लोग इनकी आत्मा की शांति के लिए दुआएं कर रहे हैं। और इस मौके पर हमारा चैनल और हमारी टीम भी इनकी आत्मा की शांति की मनोकामना करता है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से आरती की रिपोर्ट।